वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने ही है। चेन्नई के शहर एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है, जहां चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में सोमवार को उस समय गहमा गमी की स्थिति बन गई, जब वहां तैनात एक पुलिस अधिकारी ने कुछ क्रिकेट प्रशंसकों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में जाते समय पुलिस अधिकारी ने फैंस को स्टेडियम के अंदर तिरंगा झंडा ले जाने से मना कर दिया, साथ ही फैंस के हाथों से तिरंगा झंडा छीन भी लिया, जहां इसके बाद वहां पर माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। जहां इसके बाद आपको बता दें कि चेन्नई पुलिस ने ट्वीट कर इस पर कार्रवाई भी की है। ट्वीट में लिखा है कि इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है और SI के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, जो कि MCA स्टेडियम के बाहर इस मैच के लिए खास तौर ड्यूटी पर लगा हुआ था। उन्हें कंट्रोल रूम में भी बुलाया गया, साथ ही सबूत मिलने पर SI के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इसमें आगे लिखा है कि इसके अलावा और कोई भी ऐसा मामला सामने निकल कर नहीं आया है। साथ ही इसमें ट्वीट में ये भी कहा गया है कि बहुत सारे फैंस देश का झंडा लेकर स्टेडियम के अंदर जा रहे थे और उन्हें किसी ने भी नहीं रोका। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच है, जहां पर इंडियन फैंस भी स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए थे। फिलहाल इस ट्वीट से पूरी तरह से सफाई सामने आ चुकी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।